देखिए भाई, हम लेके आए थे नया ओवन और इसको मैंने स्विच बड़ा दिया था इन्होंने, तो उससे मैंने छोटा लगा दिया है। अभी हम इसको दोनों पे रखते हैं ताकि दोनों जो हमारे ऊपर नीचे दोनों जो एलिमेंट है वो चलेंगे। यहाँ से नीचे चलता है, ये ऊपर वाला चलता है, यहाँ ऑफ हो जाता है, और ये ऊपर नीचे वाला दोनों चलते हैं। अभी मैं इसमें फॉयल पेपर जो होता है हमारा वो लगाऊंगा, फॉयल पेपर ये देखिए। मैंने ये पेपर को अच्छे से बिछा लिया है ताकि जो जो लिक्विड ऑयल निकलेगा वो इसके अंदर ना जाए। ये देखिए मैंने फिश जो है फिश को अच्छे से मैग्नेट करके रखा हुआ है, और हम इसको पीसेस को अच्छे से रखेंगे। देखते हैं, ये हमारे पीस मसाला मैं थोड़ा अच्छे से लगा देता हूँ उसको, ताकि ये जो इसका मसाला है इसको मैं थोड़ा थोड़ा गैप डाल के रखा हुआ है। और मैंने इसको पहले चला के रखा हुआ है ताकि अच्छे से गर्म हो जाए, और देखते हैं कितनी देर में और किस तरह का ये चिकन तैयार करके हमें देता है जी तंदूर। वाह, और 1 किलो फिश मिली एक बार में ही मैंने डाल दी है, पहली बार ही बना रहे हैं, कभी तो पहले बनाया नहीं है। अभी देखते हैं कि ये थोड़ा सा हमारा मसाला बचा हुआ है, ऐसे पेस्ट करने का तो उसको फायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये देखिए मेरा रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको, अभी भारी हो गया यार ये तो, बड़ी ध्यान से इसके अंदर डाल रहा हूँ। अभी ये देख सकते हैं ये अंदर क्या बात है, थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आ रही है। देखिए ऊपर का जो एलिमेंट है वो जल चुका है,
अभी हम इसको 5-6 मिनट के बाद देखते हैं। अभी देख सकते हैं अंदर से काफ़ी स्मोक धुआं निकल रहा है, ये देखिए यहाँ से भी धुआं आ रहा है, तो काफ़ी हीट लग रही है इनको। अंदर पीस जो पीस पड़े हुए हैं वो हल्का हल्का इनका कलर चेंज हो रहा है। ये अभी 1 मिनट ही हुआ है, उसके बाद काफ़ी इसका बदलाव आ चुका है पीसों में। तो ये जो इन्होंने रखा हुआ है, जहाँ से इन्होंने जो ये स्मोक है, स्मोक बार इनका धुआं जो होता है वो बाहर निकले, इसके लिए लगाया हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं, अभी तो 1 मिनट हुआ है, 5 मिनट के बाद देखते हैं कैसा बन गया है ये। अभी देखिए यहाँ जो स्मोक सी उससे शीशा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, वो सारी सूख चुकी है। अभी ये देख सकते हैं पीस टू अंदर है, क्लियर नज़र आ रहे हैं अंदर से, देखिए। और हीट काफ़ी अभी तक स्मोक तो बाहर से स्मोक जो आ रही है बनने की वो अभी काफ़ी कम हो चुकी है। और उसके बाद हम देखते हैं, अभी 5 मिनट हो चुके हैं, अभी थोड़ा और पकाते हैं, क्योंकि अभी इनमें कोई पकने का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अभी खास पकी नहीं है। अभी कुछ टाइम हो चुका है, 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये हमारे पीस इस तरह पक रहे हैं, इनमें से काफ़ी ऑयल निकला है। तो मुझे लग रहा है ये जिम के लिए बहुत अच्छा हमारा पकवान बन रहा है, जो जिम करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा चीज़ है जी। बिल्कुल ऑयल नहीं है इसमें, विदाउट ऑयल काफ़ी अच्छा पक रहा है। अभी देख सकते हैं आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पक रहा है, साफ दिखाई दे रहा है शीशे ग्लास के अंदर से, ये देखिए। अब इसको 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट के बाद ये ऐसे बिल्कुल पकने शुरू हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू इसकी आनी शुरू हो चुकी है। अभी कुछ देर टाइम और रखते हैं तो देखते हैं। अभी 12 मिनट के बाद ये इस तरह रेडी हो चुकी है, हल्का हल्का ऊपर से चल चुका है, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल ये रेडी है खाने के लिए। जहाँ इसमें वाह क्रिस्पी हो गया है ये ऊपर का छिलका इसका, सब वाह क्या ज़बरदस्त बनी है, देखिए आप देख सकते हैं फिश बहुत अच्छी बनी हुई है। अभी मैं इसको ऐसे रख के बस इसको ऑफ कर देता हूँ, ताकि जो अंदर वाला सेक है उसको अच्छे से पका दे, उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह का जी फिश हमारा रेडी हुआ है। बंद होने के बाद भी देखें बंद हो चुका है, तो अभी बहुत ज़्यादा देखें हीट इसमें है, देखें पूरी ज़्यादा हीट है, और इसमें अभी तक ये पक रही है फिश। अभी जब तक इसमें हीट है थोड़ा और पका देते हैं कि अंदर तक अच्छे से पक जाए, जलने वाली तो है नहीं क्योंकि अभी तो नहीं चलेगी क्योंकि ऑफ है वो। अभी हमारी जो फिश है वो रेडी हो चुकी है, अभी मैं एक पीस उठा के देखता हूँ, ये वाला पीस उठाते हैं क्या चिपका है यार,
जो हाफ बचा था उसको भी ले जाते हैं। अभी इसको मैं चीर पार करके इसका खोल के देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ज़्यादा गर्म है अभी तो। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी फिश बना ये। अभी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये तंदूर मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता मिला था मार्केट से, तो इसके लिए मैंने ये जो इसकी वीडियो मैंने उसमें डाली हुई है कितना सस्ता मिला था, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि इस तरह का तंदूर आपको चाहिए तो आप बहुत ज़्यादा सस्ता मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं।